ये है मर्सिडीज की GLC 220D। हालांकि 300 भी आता है वेरिएंट, जो कि पेट्रोल वर्जन में है, और पेट्रोल वर्जन वाला जो वेरिएंट है उसकी कीमत है 73.50 लाख रुपीस। इसकी जो कीमत है 74.50 लाख रुपीस। ये है की आप देख सकते हैं जिस तरीके से मर्सिडीज की होती है मेटल वाली की, वैसी ही आपको देखने को मिल जाती है। सामने से देखो भैया, जो पुरानी वाली GLC थी उसके मुकाबले कई सारे बदलाव देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारे बदलाव आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। और उन बदलावों में क्या क्या है मैं फटाफट से आपको दिखाऊंगा। लेकिन गाड़ी अभी स्टार्ट है, और गाड़ी स्टार्ट है तो ऐसे में हम पहले बात कर लेते हैं इंजन की, और इंजन में ओपन करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से इसका जो इंजन है, डीजल इंजन है, वो आवाज़ करता हुआ नज़र आता है। इंसुलेशन वगैरह आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंपनी ने इंसुलेशन वगैरह की हुई है, और बहुत ही ज़बरदस्त ये काम किया गया है। अब यहाँ पर ये जो इंजन देख रहे हैं 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन है, 194 BHP पावर, साथ ही 440 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इसे कर देते हैं बंद, बंद कर दिया है। और यहाँ पर ये जो गाड़ी है आप देखो, ये GLC है, तो ऐसे में ऑब्वियस ही बात है जो इसकी ग्रिल है वो सी क्लास से काफ़ी मिलती जुलती नजर आएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये SUV ऑफ द सी क्लास है। और फ्रंट स्किड प्लेट आप देख सकते हैं क्रोम का काफ़ी जगह इस्तेमाल किया गया है। हाई LED परफॉर्मेंस लाइट्स यहाँ पर दी गई हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही, और इसमें DRL भी इसी के अंदर देखने को मिल जाता है। 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा है, तो इसमें फ्रंट में भी आपको कैमरा मिल जाता है। और साथ ही इसमें कोई रडार वगैरह नहीं है, लेकिन हाँ एडास लेवल के कुछ एक दो फीचर्स मिलते हैं, तो ऐसे में वहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। बाकी अगर आप साइड प्रोफाइल देखेंगे, यहाँ से साइड देखते हैं, तो ऑब्वियसली बात है काफ़ी गाड़ी जो है प्रॉपर बॉक्सी नज़र नहीं आएगी, कर्व्स एजेस वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। 19 इंच के यहाँ पर व्हील्स दिए गए हैं, और ये जो 19 इंच के व्हील्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर इनग्रेस और एग्रेस के लिए यहाँ पर स्टेप भी दिया गया है, तो ऐसे में अगर बूढ़े लोग हैं, माता हैं, या थोड़े अपाहिज वगैरह लोग हैं, या कुछ भी मतलब ऐसे हैं जिन्हें बहुत ज़रूरत पड़ती है या इनग्रेस एग्रेस में दिक्कत होती है, तो उनके लिए ये स्टेप काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है। बाकी रियर प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो रियर प्रोफाइल ऑब्वियसली बात है माचो लुक देती है। और यहाँ पर नीचे की तरफ आप डिफ्यूज़र देखो, डिफ्यूज़र के साथ साथ यहाँ पर एग्जॉस्ट देखो, ये जो एग्जॉस्ट हैं ये फेक हैं, क्योंकि जो एग्जॉस्ट प्रॉपर वाला है वो आपको यहाँ नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। बाकी GLC 220D लिखा गया है, 4Matic आप यहाँ देख सकते हैं। और बूट ओपन करते हैं तो आपको पर्याप्त स्पेस मिल जाता है, पर्याप्त क्या, भरपूर स्पेस मिल जाता है। ये देखो इतना ज़्यादा स्पेस, मतलब आराम से आप 8-10 अटैचियाँ यहाँ पर ईजिली रख लें। और अगर आपको फ्लैट बूट चाहिए या फ्लैट चीज़ें चाहिए, तो ये देखो भैया सीटें गिर जाती हैं, प्रॉपर फ्लैट डबल बेड आप यहाँ पर बना सकते हैं। बाकी गाड़ी में इलेक्ट्रिक टेलगेट मिलता है, तो इसे कर देते हैं बंद। और रियर सीटों पर पहले आते हैं, तो सबसे पहले बात यहाँ की कर लेते हैं, तो रियर सीट अगर आप देखेंगे तो 60-40 में फोल्ड होती है, तो ऐसे में 60-40 में तो फोल्ड हो रही है। यहाँ देखो सीटें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा आरामदायक है। 3 पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट के अलावा तीनों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस मिल जाता है। थाई सपोर्ट वगैरह काफ़ी बढ़िया है, अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंटीरियर में खास, तो फ्रंट में गाड़ी देखो, फ्रंट से भी आपको काफ़ी ज़्यादा लग्जरी ये नज़र आती है, और रात के समय में तो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा ये लग्जरी नज़र आती है। स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखते हैं, आपको स्टीयरिंग व्हील काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। 12 इंच की बड़ी सी स्क्रीन मिल जाती है, वर्टिकल में है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेंगी, अच्छी नज़र आएंगी। खैर इसे थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं, क्योंकि बाहर थोड़ी गर्मी हो रही है। और यहाँ पर जो अच्छी चीज़ें नज़र आने वाली हैं उनमें से एक तो ये है, इसमें आपको प्रोफाइल्स मिल जाती हैं, अलग अलग प्रोफाइल्स की सेटिंग मिल जाती है। आप अपने फिंगरप्रिंट स्कैनर से वो प्रोफाइल एडजस्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि इसमें देखो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल तो मिलता है, और जो प्रोफाइल सेट हो जाती है ना, उस प्रोफाइल सेट होने की वजह से आपको कितना एयर कंडीशन चाहिए, क्लाइमेट कंट्रोल कितना चाहिए, मतलब आपके फादर चला रहे हैं, मदर चला रही है, या किसी को भी जितना क्लाइमेट चाहिए वो उतना मिल जाएगा। म्यूज़िक कैसा सुनना है और सेटिंग वगैरह कैसी करनी है, सीटों की सेटिंग वगैरह, वो सारी जो मेमोरीज हैं वो आपको मिल जाती हैं। बाकी जो पुरानी वाली GLC थी उसमें बेसिकली देखा जाए तो आपको ना वेंटिलेटेड सीटें मिलती थी, यहाँ पर सिर्फ आपको हीटेड सीटें मिलती हैं, और यहाँ पर आपको मेमोरी फंक्शंस के साथ देखने को मिल जाती हैं। बाकी सीटें वगैरह, ये लॉक अनलॉक का बटन है, यहाँ पर आपको मिरर डाउन करने के बटन मिल जाते हैं, और साथ ही ये जो सीट्स वगैरह आप ये प्रॉपर सीट बनी हुई देख रहे हैं ना, ये सीट बनी हुई इसलिए है क्योंकि इन्हीं से ही आप मर्सिडीज़ की चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि सीटें एक्सेस कर सकते हैं। बाकी बमस्टर का सराउंड साउंड सिस्टम मिल जाता है, और ये एस्ट्रे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से एस्ट्रे मिल जाती है। बाकी ये वाला जो बटन आपको दिख रहा है, इससे भी आप बूट ओपन कर सकते हैं। और आपने स्टीयरिंग देख लिया, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स देख लिए, यहाँ पर आपको अच्छा खासा, थोड़ी सी गाड़ी जो है ना घुमा लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ
क्योंकि ऑब्वियसली बात है धूप है थोड़ा सा, तो आपको ऐसा समझ नहीं आ रही होगी। तो यहाँ देखो, यहाँ पर आपको अच्छा खासा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है, और अच्छे खासे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ साथ आपको यहाँ पर ये तो गियर नॉर्मल प्रॉपर आपको गियर लीवर मिल जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पर वाइपर वगैरह के कंट्रोल्स, इंडिकेटर के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, और जो हेडलाइट के हैं वो आपको यहाँ पर कंट्रोल देखने को मिलते हैं। बाकी इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ पर नीचे की तरफ देखने को मिलता है। सेंटर कंसोल ये कार्बन फाइबर फिनिश का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। बाकी यहाँ देखो काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है, एक जो टेक्सचर है वो प्रीमियम नज़र आता है, और यहाँ देखो यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल देखने को मिल जाता है। रात के समय में ना बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आती है, क्योंकि इसकी जो एम्बियंट लाइटिंग है वो आपका ना मूड बना देती है। यहाँ पर भी मिलती है, यहाँ पर मिलती है, हर जगह आपको एम्बियंट लाइटिंग मिलती है जो कि आपका मूड अच्छे से बना देती है। बाकी ऊपर की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये वैनिटी मिरर, ये आप देख सकते हैं लाइट ऊपर की तरफ है। सेम यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर वैनिटी मिरर, लाइट ऊपर की तरफ है। बाकी इलेक्ट्रोक्रोमिक आईआरवीएम देखने को मिल जाता है। ऊपर की तरफ आप सनरूफ देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी सी, काफ़ी बढ़िया है। और ये जो सीटें हैं देखो, पहले मसाज फंक्शन देखने को मिलता था इन सीटों पे, अब नहीं आ रहा है। बाकी एक चीज़ अच्छी है, वायरलेस आपको चार्जिंग पैड आपको यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ देखेंगे तो आपको टाइप सी यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा, एक यहाँ पर है और दो इस ग्लव बॉक्स के अंदर हैं, और तीनों की मदद से ही आप इसे एक्सेस कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए भी कंपनी ने इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो सिस्टम दिया है। बाकी अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से इसमें फीचर्स देखने को मिलते हैं, सेटिंग में अगर आप जाएंगे, सेटिंग में ये देखो असिस्टेंस, व्हीकल, लाइट सिस्टम देखने को आपको मिल जाती है। अब गाड़ी का ना मैंने ना एक तरीके से देखा जाए तो नाइट ड्राइव रिव्यू भी बनाया है, जिसकी मदद से आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे कि किस तरीके से आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाकी इस गाड़ी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंफर्ट मोड पर है, तो यहाँ पर अभी पुलिस वाले भाई साहब आए, पूछ के गए कि क्या है क्या नहीं है। तो अब यहाँ पर देखो ये जो जिस तरीके से आपको ये इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, रूफ रोलर, सन ब्लाइंड वगैरह, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, लाइट सिस्टम वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं, और एक एक चीज़ का कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। अब ध्यान तो दिया है, बाकी इसमें ऑफ रोड मोड भी मिलता है, तो ऐसे में आपको जो ऑफ रोड की स्टैटिस्टिक्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं जब आप इसे ऑफ रोड पर चला रहे होते हैं। यहाँ से ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑफ ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा और दिखाते हैं भैया, स्मार्टफोन मिररिंग वगैरह तो कर सकते हैं। सेटिंग में आप जाएंगे तो यहाँ पर व्हीकल में आप आएंगे तो यहाँ पर ईजी एंट्री एग्जिट ये तो आपको मिल जाता है। इसके अलावा देखो लाइट सिस्टम, वॉइस कमांड असिस्ट है व्हीकल में, और चीज़ दिखाता हूँ मैं डायनेमिक सिलेक्ट में, ऑक्यूपेशन प्रोटेक्शन, कंफर्ट में, ड्राइविंग, ये ऑटोमेटिक डोर लॉक, ओपन क्लोज वगैरह, ये आपको सारी जानकारी मिल जाती है। मतलब मर्सिडीज अपनी गाड़ी में ना इतनी टेक्नोलॉजीज, इतने फीचर्स ऑफर करती है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। गाड़ी कर लेते हैं, देखो गाड़ी स्टार्ट थी, फिर से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ड्राइव मोड्स आप देखोगे, ये तो है ऑफ रोड, अभी ऑफ रोड पर नहीं चला रहे हैं तो आपको दिख नहीं रहा है। ये है इको, इको पर ज़्यादा माइलेज देती है, कंफर्ट, कंफर्टेबल गाड़ी है तो कंफर्ट मोड पर ज़्यादा बढ़िया चलती है। स्पोर्ट पर बहुत ही ज़्यादा तेज तरार हो जाती है, 0 से 100 के एमपीएच 8 सेकंड में ये पकड़ लेती है सिर्फ स्पोर्ट मोड पर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा ये है इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मोड में आप अपने हिसाब से चीज़ें सेट कर सकते हो, क्या स्टीयरिंग लाइट चाहिए, हार्ड चाहिए, एक्सेलेटर कैसा चाहिए, इंजन की परफॉर्मेंस, वो सारी चीज़ें आप इंडिविजुअल मोड में सेट कर सकते हो, सस्पेंशन सेटअप कैसा चाहिए, वो आपको सारी जानकारी मिल जाती है। अब चलते हैं फटाफट से पीछे, पीछे तो खैर मैंने दिखाई दिया है, सीधा चलते हैं गाड़ी की ड्राइव पर और चलाकर दिखाते हैं। देखो गाड़ी के ड्राइव पर जाएं उससे पहले मैं आपको यहाँ पर जो 360 डिग्री पार्किंग व्यू है वो दिखाना चाहता हूँ भाई, किस तरीके से आपको जो कैमरा है वो देखने को मिलता है। ये फ्रंट कैमरे की इमेज है, ये रियर कैमरे की इमेज है, ये साइड की आप देख सकते हो 3D में, और साथ ही ये आप घुमा भी सकते हो इस तरीके से भाई, मतलब जिस हिसाब से गाड़ी जहाँ खड़ी हुई है, जैसी चीज़ें खड़ी हुई हैं वो आपको देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर ये ऑटो ये इस तरीके से देख सकते हैं भाई, पूरा व्यू, फिश आई व्यू पूरा दिखा रहा है हर जगह का, कहाँ क्या जा रहा है, कहाँ क्या चीज़ है, वो सारी जानकारी देखने को मिल जाती है। पार्किंग असिस्ट पे अगर आप आते हैं तो ये प्रॉपर कि आगे क्या है, पीछे क्या है, सर्चिंग फॉर पार्किंग स्पेस, मतलब पार्किंग स्पेस जैसे ही से मिलेगा ये बता देगा कि वहाँ पर गाड़ी लगा लो अगर अगल बगल कोई गाड़ी खड़ी होगी, ये बहुत ही अच्छा फीचर है। खैर चलाते हैं गाड़ी को, और जैसा कि बताया कि इस गाड़ी में 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलता है, और वो जो डीजल इंजन है वो आपको 194 bhp की पावर, 440 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, जिसके चलते आप इस गाड़ी को तेज तर्रार रफ्तार में भगा सकते हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, तो ऐसे में मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आपने यहाँ से ड्राइविंग में जाके स्पोर्ट पर लगाया, स्पोर्ट पर लगाने के बाद अब इस गाड़ी को
जीरो से हंड्रेड के पिच रफ्तार पर भगा के दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से भागती है। तो वन टू थ्री एंड गो। भाई क्या रफ्तार, क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है। ये हो चुके हैं 100। थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं तो यहां से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से रफ्तार आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। भले ही मर्सिडीज की GLC 220D एक कंफर्टेबल कार है, ड्राइविंग डायनेमिक्स आपको BMW गाड़ी जैसे देखने को ना मिले, लेकिन इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है, इस गाड़ी का जो कंफर्ट है, सस्पेंशन सेटअप है, नो डाउट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। मतलब आपको ऐसा फील ही नहीं होता है कि आप कोई स्पोर्ट्स ओरिएंटेड कार चला रही है। ये बेसिकली कंपनी ने कंफर्ट के लिए बनाई है, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल कार है। और ऐसा भी नहीं है कि ड्राइविंग डायनेमिक्स कंपनी ने बेकार कर दिया हो, वो भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिल जाते हैं। चाहे आप तेज़ रफ्तार पर गाड़ी को मोड़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इस गाड़ी में एक चीज़ और अच्छी है, इको मोड पर बहुत ही ज़बरदस्त माइलेज देती है। ISG यानी कि इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर इसमें मिलता है, और ये बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लगभग कहीं बीच में है। तो ऐसे में आपको इस गाड़ी से बहुत ही ज़बरदस्त माइलेज मिल जाता है। डीजल इंजन वाली गाड़ी है तो, और माइलेज की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है बहुत ही ज़बरदस्त माइलेज। मींस आपको इतनी बड़ी SUV में लगभग 19 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज मिल जाता है। समझ रहे हो आप कि किस लेवल का आपको यहां पर माइलेज मिलता है इस गाड़ी से, ये भी बहुत बढ़िया बात है। इसके अलावा अब गाड़ी को थोड़ा सा ऊपर करके थोड़ा सा इसका ना जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है उसके साथ साथ जो कंफर्ट है वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ कि आपको कंफर्ट किस लेवल का मिलता है। यहाँ से घर कोई नहीं आ रहा है, यहाँ पर चलते हैं। तो यहाँ देखो रोड थोड़ी सी उबड़ खाबड़ देखने को मिलेंगी, मतलब सस्पेंशन सेटअप इतना ज़बरदस्त है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि गाड़ी कहाँ से गई है कैसे गई है। खैर यहाँ पर तो हल्की सी लग गई है यार, हाँ, लेकिन यहाँ देखो थोड़ा हल्की फुल्की उबड़ खाबड़ सड़कों पर भाई पता ही नहीं चल रहा है कि गाड़ी चल भी रही है, मतलब मक्खन की तरह चल रही है। मतलब इतना ज्यादा कंफर्ट, चाहे पीछे बैठे यात्री हो या गाड़ी आगे चला रहा हो कोई भी बंदा, उसे इतना ज्यादा कंफर्ट मिलेगा कि आप ना हैरान हो जाएंगे। मतलब जबरदस्त है नो डाउट। प्राइस मैं बता चुका हूँ, GLC 220D की जो कीमत है 74.50 लाख रुपीज है। तो ऐसे में जिस हिसाब से कीमत है, जो बजट कंपनी लेकर आई है इस गाड़ी को लेकर, मतलब बेसिकली तो देखा जाए उस हिसाब से नो डाउट आपको एक अल्ट्रा लग्जरी कार का फील मिलता है अगर आप GLC खरीदते हैं। बाकी वीडियो में इतना ही, बाकी आप बताओ आपके क्या राय है इस नई GLC को लेकर। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नई गाड़ी के साथ, तब तक हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, सुरक्षित रहें, सुरक्षित चलें।